हेलो फ्रेंड्स, आपको रामचंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको मैं आज स्टीम इंजन बनाने का तरीका और सरल तरीका सिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से स्टीम इंजन बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक लकड़ी लीजिए जिसकी साइज मैंने ये लकड़ी रखी है, और ये जो है ये बैरिंग का हिस्सा मैंने काट कर और थोड़ा पेंट वेंट करके रख लिया हूँ, तैयार कर दिया, ताकि वीडियो छोटा रहे और आसान रहे। ये लकड़ी तो आप देख ही रहे हैं, ये लकड़ी की लंबाई मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है ये 12 सेंटीमीटर। ये प्लाई का टुकड़ा है, मैंने इसको थोड़ा रंग दिया हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, काफ़ी पुराना था इसलिए मैंने इसको रंग दिया था। और मैंने पिछली वीडियो में लकड़ी काटने का तरीका और लगाने का तरीका भी बताया था। एरो लाइट से इसको जोड़ना है, ये एरो लाइट है और ये यमसील है, इसका मैंने इसमें यूज़ किया हूँ। कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं अभी बता रहा हूँ। ये मैंने लकड़ी के टुकड़े में, मैंने ये दो लकड़ी के गुटके काटे जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और लंबाई ये लगभग 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और मोटाई इसकी है ये 3 सेंटीमीटर। और ये लकड़ी आप अपनी साइज़ की भी बना सकते हैं, बैरिंग तो बहुत पतला पड़ेगा, तो मुझे जो लकड़ी मिली मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल लकड़ी की कोई साइज़ नहीं होती है, कोई भी साइज़ आप बना सकते हैं जिस साइज़ में आपका ट्रैवल बैठ सके, बैरिंग बैठ सके आसानी से। और इसकी लंबाई ये है ये लगभग आपकी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है ये लगभग 4 सेंटीमीटर, 4 और 4 की है। तो आप लकड़ी भी किसी भी साइज़ में ले सकते हैं। अब चलो इसका असेंबली करने के लिए तैयार हैं। और मैंने इसकी ये फाइबर बनाई, ये मैंने एक पत्ती लेकर के इसको मोड़ कर गोला किया, गोलाकार में करके फिर मैंने इसमें छोटी छोटी कीला लगा करके वेल्डिंग करके फाइबर बनाया। दोनों फाइबर हमारी तैयार हैं ये, और ये मैंने साइकिल का धुरा लिया हूँ, साइकिल का धुरा जिसमें बीच में बैरिंग है और इधर से एक कोना कसा हुआ है और इधर से भी एक मैंने कोना कस लिया हूँ बोर्ड, जिससे बैरिंग अपनी जगह पर रहे, इधर उधर हिलना ये। और ये मैंने सिलेंडर बनाया, ये और दोस्तों ये मैंने एल्युमिनियम का पाइप लिया था ये सिलेंडर बनाने के लिए। ये पाइप बहुत हल्का पुराना, काफ़ी पुराना था, फिर टीवी कैंटीने में जो लगता है वही मैंने पाइप काट करके और मैंने इसको तैयार किया हूँ। और एक मैंने ये लोहे का टुकड़ा था, उसमें मैंने सरिया वेल्डिंग कर दी बहुत पतली सी, और पीछे एक PVC इसमें इस सरिया में एक छेद किया और छेद करके दोनों तरफ मैंने PVC के छोटे छोटे वासर बना करके मैंने एक में चिपका दिया, ताकि ये इसे इधर उधर को हिले ना। और ये मैंने पाइप प्लास्टिक का टुकड़ा लिया और टुकड़ा लेकर के इसमें ये बड़ा सा होल किया और एक छोटा सा होल, ये होल इस पिस्टन के फंसाने के लिए है और ये होल इस धुरा में कसने के लिए। ये तो जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की मैंने आपको सब दिखा दिया हूँ। और पिछले भी वीडियो में मैंने एक एक चीज़ बना करके बताया था आपके सामने, मैंने पूरे वीडियो में पूरा इंजन बना करके तैयार करके चलाया था, लेकिन ये मैंने थोड़ा बना करके और रंग दिया हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगे क्योंकि हमारे पास कोई नई लकड़ी थी, नहीं पुरानी लकड़ी थी, मैंने इसलिए उसको यूज़ किया हूँ, तो थोड़ा देखने में बहुत धंधा लगता है, इसलिए मैंने बना करके और पेंट करके रखा हूँ। हाँ चलो दोस्तों, अब हम इस इंजन को असेंबली करना शुरू करते हैं। पहले हम इसकी फाइबर साफ फिट करेंगे, ठीक है मैंने दोस्तों इसको मैंने ये फाइबर साफ फिट कर दिया हूँ, और इसके ऊपर ये चादर के तो छोटे छोटे टुकड़े बना करके बैरिंग इधर उधर ना हिले, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। अब हम इस फाइबर को फिट करते हैं। ये हमारी फाइबर तैयार हो गई। अब फ्रेंड्स, ये आपको साफ कसनी है। और इसमें एक मैंने पुराना स्प्रिंग यूज़ किया हूँ, ताकि ये साफ ये इधर उधर ना होने पाए, इसको टाइट भी रखे और चलना भी चाहिए, इसलिए फिर इस पाइप में सिलेंडर में मैंने ये पिस्टन को कसे दे रहा हूँ, फिर एक नट लगाकर इसको टाइट कर दूँगा
ताकि ये अपनी जगह पर बना रहे, इधर उधर हिले ना। फिर फ्रेंड्स मैं ये वाल कैसे दे रहा हूँ, ये आपको बताया था ये प्लास्टिक के टुकड़े के मैंने वाल बनाए हैं, अंदर से दोनों मिले हुए हैं और बाहर से दोनों प्लेन हैं, ये नहीं मिले। ये एम सील मैंने लगाया था ताकि इसमें पाइप मेरा रुका रहे और इसको मैं यहाँ पर फिट करूँगा। और फिट करते समय आपको एक बहुत बड़ी विशेष बात की ध्यान रखनी है कि आपका ये होल होल के सामने रहना चाहिए, नहीं तो इंजन आपका रोटेट नहीं करेगा और अपनी टाइम पर कंप्रेशन नहीं पाएगा, तो ये चलने में परेशानी करेगा। इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और स्पाल से एक स्क्रू से मैं इसको टाइट कर दूँगा। चलो अब ये दोस्तों हमारा इंजन तैयार हो गया चलने के लिए। अब चलो हम इसको ट्राई करते हैं। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें। हाँ दोस्तों, अब हम कुकिंग कुकर से इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, ये पाइप द्वारा ये हमारी कुकर से गैस आएगी यहाँ तक और इससे हमारी सिलेंडर में इंटर करेगी, फिर हमारा इंजन चलेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अपन रामचंद्र यादव स्टीम इंजन, ये हमारे चैनल का नाम है, जब भी आप चाहें संपर्क कर सकते हैं। हमारा इंजन चलने के लिए तैयार है, अभी गैस बनेगी फिर चलेगा। ये हमारा इंजन अब चलने के लिए तैयार है और इसमें आवाज़ भी अच्छी आ रही है, इसका मतलब हमारा वाल्व काम कर रहा है। अभी हमारा इंजन धीरे धीरे रेस पकड़ रहा है और चलना शुरू कर दिया। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, देख रहे हैं दोस्तों। मेरा भारत महान, जय हिंद।